अरे भैया, दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल इंडियाज नंबर वन इमर्जिंग स्कूल, जहां है एकेडमिक्स, स्पोर्ट्स एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स का बेहतरीन कॉम्बिनेशन। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्री नर्सरी टू 9। देश के अग्रणी सेनानी और प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जो आज पुण्यतिथि दी है, कृतज्ञ राष्ट्र करता है। जवाहरलाल जी ने भारत की नींव रखी और उन्हीं के नींव रखी हुई है, जैसे IIT और कारखाने हैं, जितने बड़ी बड़ी योजनाएं हैं उनकी देन है। तो मैं इस अवसर पर अपनी ओर से कांग्रेस पार्टी की ओर से बहुत बहुत नमन करता हूं और उन्हें समर्पित करता हूं। पहले प्रधानमंत्री सम्मानीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की आज जयंती के अवसर पर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जी की अध्यक्षता में जो श्रद्धांजलि सभा का जो आयोजन किया गया, इसमें हम लोगों ने इस बात की भी शपथ ली है कि पंडित जी ने अपने जीवन के अंदर, चाहे देश की आज़ादी के आंदोलन में अपना महत्वपूर्ण योगदान रखा हो या भारत के नवनिर्माण में रखा हो, आज जो आपको संसार के अंदर जो नज़र आता है गुट निरपेक्ष आंदोलन, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की देन है। आपको पंचशील के सिद्धांत जो नज़र आते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की देन है। आज आपको इंदिरा गांधी नहर, बोकारो का स्टील कारखाना और भामा परमाणु संयंत्र, जितने भी जो आपको नज़र आता है आधुनिक भारत के नवनिर्माता ने इस देश की एकता के लिए, अखंडता के लिए और सांप्रदायिक सद्भाव को बनाने के लिए और एकजुटता के साथ जो शानदार भारत की जो संरचना की थी, ऐसे व्यक्तित्व को हम नमन करते हैं। और विशेष तौर से आज अध्यक्ष जी के नेतृत्व के अंदर हम लोगों ने इस बात का भी संकल्प लिया है कि आज जो कोरोना महामारी है, इसमें कांग्रेस का कार्यकर्ता अंतिम छोर पर बैठे हुए व्यक्ति के आँख के आंसू पोंछने का प्रयास करेगा। हम इस मौके पर सत नमन करते हैं, वंदन करते हैं और हमारे महान नेता को हम लोग याद करते हैं। भारत के निर्माता, भारत रत्न से सम्मानित और देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की आज पुण्यतिथि पर अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से उनको शश्वत नमन, शश्वत वंदन। आज अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से हमारे राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव माननीय महेंद्र सिंह जी रलावता जी की मुख्य आतिथ्य में हमने यहाँ आज श्रद्धांजलि पुष्पांजलि कार्यक्रम रखा है और पंडित जी के बताए हुए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया है। सभी व्यक्तियों को जिस तरह उन्होंने अंतिम छोर पर बैठे हुए व्यक्ति की जो सोच की थी, चाहे औद्योगिक क्रांति थी, चाहे हरित क्रांति थी, श्वेत क्रांति थी, देश में विकास की बात थी या पंचायती राज की बात थी, हर चीज़ में उन्होंने पहल करके आज हमारे देश को सुदृढ़ और मजबूत किया है। उस सबके लिए हम एक बार